नमस्ते, सश्रीकाल, वड़कम, आदाब, हिंदुस्तान। मैं ज्योति गड़िया महल आपका स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग पे। आई होप आप लोग बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और व्यस्त है। तो आप सोचोगे आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कुछ अजीब तरीके से हो रही है ना। आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे आई फ्लू हुआ है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुझे आई फ्लू हुआ है। पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, जान की आंख भी ऐसी सूजी हुई थी क्योंकि उनको मधुमक्खी ने काटा था, बट मुझे तो आई फ्लू हो गया। तो इश्की को बचाने के लिए, मतलब घर में इश्की को इन्फेक्ट ना हो, तो इसीलिए मैं आज चश्मा पहन रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को ये जो है आई फ्लू उसको फैले। बट ये ना मुझे बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रही। तो बोली मम्मा ऐसा मत पहनो। मैं क्या करूँ बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती आपको कुछ हो। क्या करें बताइए, मैं पता, मुझे खुद इसको सामने ना ये शेड्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट इसके प्रोटेक्शन के लिए तो पहनना पड़ेगा ना। देखो ये, अब देखो ये मेरी आंखों में छेड़ी। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, इकी नहीं। तो सो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि कहते आप लोग भी मेरी आंखों को देखे, तो आपसे मैं बस एक्शन दिखाऊंगी, आपको अपनी आंखें नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कैसा भी हो मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, मतलब मुझे पता है आप लोगों को भी मेरे, मतलब अब यह वीडियो में देखने से कौन सा फैलेगा, बट तब भी। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो अब आगे जो भी होता रहेगा मैं आपके साथ कंटिन्यू रखूँगी। ओके फ्रेंड्स, अब पता नहीं कहाँ दब रहा है, नहीं दब रहा है। इसकी झूला झूल लो, नहीं झूलना है, झूला झूलो ना बेटा। ओ तो ना इश्की को मैं बाहर ले जा नहीं पा रही, क्योंकि मैं उसको हर रोज, मेरा ये रूटीन है कि मैं उसको शाम के समय पार्क वार्क या वॉक में हमेशा ले जाती हूँ। अब आज वो मैं बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी और को ये डिजीज मेरे थ्रू इन्फेक्ट हो, तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बट मैं उसका पूरा ध्यान रख रही हूँ कि वो घर में एंटरटेन कर रही हूँ, कुछ ना कुछ उसको करा रही हूँ, ताकि वो मतलब मिस ना करे पार्क वगैरह को। तो मैं उसके साथ एंजॉय करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ओके, तो मैंने अपने भाई को ना, आपको पता है ना पिछले वीडियो में मैंने अपने भाई को थोड़ा गुस्सा हुई थी, मतलब मुझे पता नहीं था उसने सरप्राइजली मुझे और भी गिफ्ट भेजे थे, वो मतलब उस गिफ्ट से वैसे मुझे उतना सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला। बट अब मेरे भाई ने आज ही मुझे पता कि मेरे दो और ऑर्डर आए, वो मेरे भाई की तरफ से, तो राखी चली गई है, बट अभी मेरा गिफ्ट बाकी है, तो उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसकी तो तब मैंने, तो हम पहला खोलेंगे, इसमें क्या है चेक करें। तो मैंने शेड से आपको इतना गंदा लग रहा है ना अंदर पहनना, पर जरूरी है पहनना। मुझे इतनी खुशी महसूस होती ना जो मिले, मतलब ये वो साड़ी है, देखिए ये साड़ी है, और इसकी ना पैकिंग वैकिंग ये देखिए। मतलब मेरी ना हंसी रुक नहीं रही यार, ये देखिए यहाँ कैसी लग रही है, हैं मस्त। तो ये मेरे बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसलिए ये मतलब इसकी खुशी आपको मेरे को मेरे फेस में दिख रही होगी, तो इसको भी मैं पहले अच्छे से रखूंगी यहाँ पे, मैं नहीं चाहती खराब हो। चलो, मतलब साड़ी का तो मुझे पता था कि मेरे लिए कोई साड़ी आएगी, और ये साड़ी मैंने खुद सेलेक्ट करी थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी, ये मुझे नहीं पता है, पर ये सब भाभी के थ्रू आया है, मुझे पता है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता यार, ये क्या चीज है यार, किसने भेज, ये भी साड़ी है क्या है, देखो एक मिनट। इतनी खुशी महसूस हो रही मेरे, मतलब दो साड़ियां हो गई, मतलब वो पार्टी वे है, ये शायद मुझे लगता है भाभी ने भेजी है, ये देखिए ये पूरी नेट है, मतलब रियली मैं इसका कलर मैं देख नहीं पा रही, थोड़ा चश्मे में ऐसे करता है कि तुम लोग को ना देख सको, मैं देख,
ऐसा होता है ना जब ज्यादा ही खुशी हो जाए ना, ये ब्लाउज का कपड़ा है, ये शायद मतलब भैया ने तो ये भेजा होगा, पर भाभी की तरफ से भी ये आ रखा है गिफ्ट। तो सबसे पहले भाभी को, भैया का तो कुछ चलती है नहीं वैसे, तो मैं भाभी को ही थैंक यू कहूंगी दोनों गिफ्ट के लिए। और मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक मतलब एक ही रक्षा में बस ये दो दो पार्टी वेयर ड्रेस आ गई है। कुछ सीखो आप, कुछ सीखो, आपने दी मुझे कभी ऐसी वाली है? मस्का क्या लगा रही हो भाई भैया को? लगाऊंगी फिर, अब दिया है तो, अब उसने गिफ्ट दिया तो मस्का तो लगाना बनता है ना। बहुत अच्छा है भाभी, भैया थैंक यू सो 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 मच। कान और इश्क इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, रात का मतलब रात के 8 बज चुके हैं। ये दोनों ना स्पेशली इसलिए तैयार हो रखे हैं क्योंकि जो मेरी ननंद है उनने ना इश्क के लिए गिफ्ट भेजा है अधू की तरफ से, क्योंकि इश्क ने राखी भेजी थी अधू के लिए, तो इश्क का गिफ्ट आना। और जान को इस बात की खुशी कि मेरी बहन ने कुछ भेजा है, तो इसीलिए दोनों इतने जल्दी तैयार होके फिर जा रहे हैं पार्सल लेने। तो अब ये जा रहे हैं, जल्दी आना, हाँ बाय, जल्दी आना, मम्मा वेट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आज ना पूरी क्या है जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग की ही वीडियो बनने वाली है, क्योंकि अभी अभी मैंने भी अपने गिफ्ट खोले थे, अब इश्क तभी मेरे को कॉल आया पार्सल वाले का कि आपका एक और गिफ्ट वो आ गया है पार्सल, तो मुझे ऐसा लगा अब इश्क का भी पार्सल खोना यार, इतने देर तक तो कोई भी वेट नहीं कर पाएगा। मेनली मुझे अपने गिफ्ट से ज़्यादा तो इश्क के गिफ्ट का वेट रहता है, तो इसीलिए। और वैसे ना गिफ्ट का मजा तब आता है कि जैसे मेरा भाई हो मुझे देता हो, सामने से गिफ्ट देता तो मुझे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कल जब रक्षाबंधन था मैं उसको काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि मैंने कितने सालों से उसको ना राखी बांधी नहीं, हर बार मैं उसको भेज ही नहीं हूँ राखी, तो मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ जब हम लोग साथ में होंगे और मैं उसको सामने राखी बांधूंगी और मुझे सामने गिफ्ट देगा, तो इसीलिए। तो कल ना मेरा रक्षाबंधन में इसलिए भी थोड़ा सा मेरा पूरा दिन मतलब ऑफ जैसा ही था, मेरा हेडेक भी हो गया शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे, और फिर देखिए राखी के दूसरे दिन ही मेरे को आई फ्लू भी हो गया, तो राखी का त्यौहार ना भाई के बिना तो अधूरा ही होता है और फैमिलीज के बिना हर फेस्टिवल अधूरा होता है, मुझे ऐसा खुद को लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली ना, मेरी वीडियो भी बनानी है मतलब अनबॉक्सिंग की, इश्की की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की, मैं ऐसी गप्पे मान लगी तो वो चीज़ तो दिखा नहीं पाऊंगी, दिखा भी पाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कम बातें करती हूँ ना और ज़्यादा दिखाती हूँ, ठीक है। अब इश्की वो लोग आएंगे तब आपको दिखाऊंगी कि इश्की की मैं मतलब इश्की की बुआ ने उसके लिए क्या भेजा है, ओके। तो तब तक वेट करना, ओके ओके, कहीं जाना मत। तो इश्की आ चुकी है अपना पार्सल लेके और आप अपना पार्सल की अनबॉक्सिंग खुद करोगी, ठीक है। अदू भैया ने भेजा है ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, हाँ ये ऐसी बोलती, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो इशू, थैंक यू अदू भैया बोलो, हाँ थैंक यू ऐसी बोलती है, जान उसका है ना तो आप क्यों कर रहे हो? लो खोलो, लो आप खोलो, टन टन, ये क्या है, वाओ इश्की के क्लोथ्स आए, देखते हैं कौन से हैं। इश्की एक्साइटेड डांस करो, डरो ये करो, ये मुझको भी दिखाओ, वाओ इट्स अ नाइट ड्रेस इशू, ये दिखाओ, वाओ इक्की इट्स सो ब्यूटीफुल, देखो ये आपने नाइट ड्रेस भेज दी, देखो बुआ ने, दिखाओ मम्मा दिखाई, दिखाओ बुआ को, बोलो बुआ थैंक यू अदू भैया, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट भेजा है, देखो कितना प्यारा नाइट सूट है ना आपका, वाओ मेरी बेटी तो नाइट सूट पहनेगी, ये 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 इसे तो अभी से पहनने लग गई, देखो जान आ जाओ मम्मा आपको पहना देगी, कम कम मेरी बेटी की ना, मेरा बुद्धू का इतना चोट लग गया ना हैंड में, ओ मेरा बेटा, बेटा डिटॉल है, नो 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 बिट्टू सही हो जाएगा बिट्टू, बहुत दर्द हो रहा है क्या? इसके पापा इसका वो कर रहे हैं डिटॉल लगा रहे हैं, क्योंकि इसको ना चोट ना ये इसके नीचे गई थी चरपाई के नीचे ना, तो इससे लग गई इसको चोट, ये इससे, और इसे पता हमें बिल्कुल बताया नहीं, ये जब इसको चोट लगी ना ये रोई बिल्कुल नहीं,
अभी जब ये बैठी हुई थी तब हमने इसके यहाँ पे इसके पापा ने देखा, बोले कि ये कब लगी, तो अभी थोड़ी देर पहले ये आ कर रही थी तब हमने नोटिस नहीं किया। सही हो जाएगा बुद्धू, सही हो गया आप इसका, इससे सही हो जाएगा, कीटाणु तो हट जाएंगे ना, बाकी उसे लो लगाने दे। दिखा बहुत स्ट्रॉन्ग है बट हमारी बेटी, नहीं नहीं इसको मत लगाओ, ये क्या है। तो हो चुके सारे गिफ्ट्स के अनबॉक्सिंग जो कि आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है मेरे काले चश्मे के साथ, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। शेयर नहीं करो क्या आप लोग, व्यूज नहीं आ रहे हैं। अरे यार मैं भी क्या बात, तो आप समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और कोई मम्मी लोग देख रही हैं तो अपनी बहुओं को मेरी वीडियो शेयर करें, कोई पापा लोग देख रहे हैं तो अपनी बहुओं को शेयर करें, अपनी बेटियों को शेयर करें, और कोई हस्बैंड देख रहे तो अपनी बीबी को शेयर करें, है ना। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना मत, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना मत। आँखों में ना मेरा प्रॉब्लम हो रहा, लग रहा है मुझे मेरी जबान में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं ना कुछ भी बोल रही हूँ। तो अगर आप दोबारा से क्यों रिपीट कर रहे हो ना, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना मत। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में दोबारा इस चश्मे के साथ। ओके बाय बाय, शुभ रात्रि।